प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर 15 विधानसभा में विकास का लिखा एक नया इतिहास। जनता ने सेवक को सेवा करने का अवसर दिया, उनके कारण आज ये ग्वालियर में विकास का जाल बिछा है। 2931 करोड़ की धन राशि खर्च कर शहर का चेहरा मोहरा बदलने का प्रयास। विकास का चक्का ऐसे ही तेज गति से घूमेगा और हमारा ग्वालियर आने वाले दिनों में नंबर वन होगा। औद्योगिक नगरी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर वन होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ आत्मविश्वास है। आज से 30 साल पहले ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर की धरती पर एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक का राजनीति के क्षेत्र में आगमन हुआ जिनके रग रग में समाज सेवा का लहू दौड़ रहा था, जिनका दिल हर पल जनता के लिए धड़कता था। फिर क्या था, इन्होंने जन सेवा को एक आंदोलन बनाकर कूद पड़े एक ऐसी धधकती आग में जहां कांटे ही कांटे थे, लेकिन चट्टान दिल का यह हिम्मती और जुनूनी जनसेवक इससे न घबराकर इन कांटों को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। इसके लिए इन्हें 21 बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल में रहते हुए भी इन्होंने ग्वालियर को अपना एक मंदिर मानकर देव तुल्य जनता की सेवा में दिन रात जुटे रहे। लोगों का कारवां बनता गया और ग्वालियर 15 विधानसभा में इनकी लोकप्रियता दिनानुदिन बढ़ती गई। इनकी अपार लोकप्रियता को देखकर इनके विरोधी भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल दिए। हंसमुख, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इस जन सेवक का नाम प्रद्युमन सिंह तोमर है, जिसे ग्वालियर की जनता ने अपने असीम स्नेह और आशीर्वाद से 2 बार विधायक बनाया और मध्य प्रदेश सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का मौका दिया। जमीनी नेता और कुशल राजनीतिज्ञ प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने कार्यकाल में ग्वालियर में विकास की गंगा बहाकर आज इस बात को साबित किया है कि जब तक उनकी सांसें चलती रहेगी, वह जनता की आवाज बनकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। इतना आनंद की अनुभूति होती है कि जब बच्चों के PICU में जाता हूँ, उनको बच्चों को गरीब के बेटे को इलाज मिल रहा होता है, आप शिक्षा के क्षेत्र में उस अंतिम पंक्ति के ठेला ढकेलने वाले का बेटा बेटी अच्छे CM राइज स्कूल में पढ़ रही है, मौका उसको मिला है, वो परिवार के साथ साथ शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे, ये आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए काम हो रहा है। पार्क देखिएगा, मनोरंजनालय देखिएगा, खेल के स्टेडियम देखिएगा, आप खेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखिएगा, शहर की सड़कें देखिएगा, एलिवेटेड रोड देखिएगा। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव। कर्मवीर प्रद्युमन सिंह तोमर की कड़ी मेहनत से शहर के अनेक पार्कों का हुआ कायाकल्प स्लोगन। खूबसूरत पार्कों से ग्वालियर की सुंदरता में लगा 4 चांद। अगर ये पार्क नहीं होता तो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसमें बच्चों के लिए दौड़ने के लिए कोई आसपास ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं है, और इस ग्राउंड के होने से कई मध्य प्रदेश के युवा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन में भी अपनी भर्ती का पूर्ण अनुभव दे सकेंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर ने अच्छा पार्क बनवाया है, ये यहाँ बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन अच्छी हो जाती है, मेडिटेशन अच्छा हो जाता है, घूमते हैं फिरते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, अच्छा लगता है, और हम भी आते हैं बड़े तो अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है। श्रीमान प्रद्युमन सिंह तोमर, इनके नेतृत्व में ये मनोरंजनालय का पार्क का अच्छा स्वागत किया और बढ़िया गार्डन होना, इसके खेल के लिए रनिंग बच्चों की रनिंग की दौड़ के लिए भी चाहते वो है और पार्क भी अच्छा बनाया हुआ है। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित जन सेवक प्रद्युमन सिंह का एक ही सपना था कि शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखकर दृढ़ इकक्षा शक्ति के धनी श्री तोमर ने शहर के लगभग 12 पार्कों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया।
और इसे जमीनी रूप देकर शहर की सुंदरता में चार चांद लगा दिया। इसी क्रम में आज ग्वालियर 15 विधानसभा का मनोरंजनालय पार्क आता है, जिसे प्रद्युमन सिंह ने दुल्हन की तरह सजाकर अपने सपने को साकार किया है। आज इसकी खूबसूरती बरबस ही लोगों का मन मोह लेती है। आज हाजिर का यह मनोरंजनालय पार्क ग्वालियर का सबसे खूबसूरत पार्क बन चुका है, जहां की सुंदरता लोगों को मुग्ध कर देती है। इस पार्क में खिलाड़ियों के लिए वॉकिंग ट्रैक की सुविधा है, वहीं बच्चों के लिए जिम की सुविधा है। बच्चों को खेलने के लिए अनेकों खेल के उपकरण लगाए गए हैं। हरे भरे पौधों से मुस्कुराते इस पार्क में जगह जगह सिटिंग बेंच लगाए हैं, मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। आज यहाँ पर आकर लोग अपने तनाव को भूलकर शांति और सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह नवीन पार्क को सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर जो पार्क बना है, हम लोगों की बड़ी अच्छी सुविधा है। फब्बारा भी लगा है, बैठने की कुर्सियाँ भी डली हैं, जो मंत्री जी ने करा है, बहुत अच्छा है। सवेरे आते हैं अपने टहलने के लिए, मतलब पार्क में, और एक्सरसाइज करते हैं। आनंद नगर पार्क का कायाकल्प किया गया है, जिससे कि लोग सुबह शाम लोग अपने मन को शांत कर सिर कर सकें। आज प्रद्युमन सिंह के प्रयास से शहर के ऐसे दर्जनों पार्कों का चेहरा मोहरा बदल गया है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। ग्वालियर विधानसभा 15 में स्वास्थ्य केंद्रों का हुआ कायाकल्प। स्वास्थ्य ही धन है, इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके जनता के सिपाही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज 38 करोड़ की लागत से अपने विधानसभा में अनेक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण करवाया है। 12 करोड़ की लागत से हजीरा स्थित सिविल अस्पताल का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक रूप दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का अत्याधुनिक और ग्वालियर का पहला राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पताल है, जहां 120 प्रकार के रोगों की जांच की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें डायलिसिस के साथ साथ बच्चों के लिए PICU की सुविधा प्रदान की गई है। यहां पर अब मरीजों के लिए 100 बेड की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसी तरह श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयास से करोड़ों रुपयों की लागत से बिरला नगर प्रसूति केंद्र में एक खूबसूरत इमारत का निर्माण किया गया है, जिसमें मरीजों को अनेक अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा बहोड़ापुर में 5,74,00,000 की लागत से एक अत्याधुनिक किशन बाग हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, मरीजों को उनके घर के पास ही इलाज की सारी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए करोड़ों रुपयों की लागत से 5 संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया गया है और 11 अन्य क्लिनिक का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। ग्वालियर 15 विधानसभा में जन जन के लाडले नेता बन चुके प्रद्युमन सिंह तोमर ने विकास का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इन्होंने अपने विधानसभा में खूबसूरत सड़कों का जाल बिछाकर यह दिखाया है कि अब ग्वालियर एक ऐसा शहर बनेगा जहां देश दुनिया के लोग सैर करने आएंगे। जेसी मिल से हजीरा रोड की खूबसूरत सड़क इस बात का प्रमाण है, जहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किला गेट चौराहा से सेवानगर का चेहरा मोहरा बदलकर इसे एक नया लुक दिया गया है, जिससे यहां के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए आने वाले पर्यटक आकर्षित हो सकें। आनंद नगर मोती झील से सागर ताल चौराहा का भी नवीनीकरण किया गया है। इसी तरह प्रद्युमन सिंह के प्रयास से चार शहर नाका से बिड़ला नगर पोस्ट ऑफिस तिराहा का नवीनीकरण किया गया है। चार शहर नाका से मलगरहा चौराहा का सौंदर्यीकरण किया गया है।
इसके अलावा शहर के फूलबाग, किशनबाग से बरागांव, बहोड़ापुर, मेंटल अस्पताल आदि अनेकों मार्गों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण किया गया है, जिससे कि यातायात सुगम हो सके। इसके अलावा सड़कों के किनारे स्थित नालों पर स्लैब डालकर विधानसभा को खूबसूरत बनाया गया है। ग्वालियर 15 विधानसभा में 177 करोड़ की धन राशि खर्च कर शहर में की गई विद्युत आपूर्ति। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के अथक प्रयास से शहर के कोने कोने में 15 करोड़ की लागत से लगाई गई मोनोपोल की लाइन मध्य प्रदेश सरकार के। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने ग्वालियर विधानसभा में शहर के कोने कोने में मोनोपोल की लाइन बिछाकर शहर की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। शहर की 50 साल पुरानी हाई टेंशन लाइन को हटाकर सड़कों के बीचों बीच मोनोपोल लगाई है। पहले घरों के ऊपर ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजरती थी, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन मोनोपोल के लग जाने से अब किसी भी तरह की विद्युत दुर्घटना से लोग सुरक्षित होंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर के प्रयास से घर घर विद्युत सेवा आपूर्ति सुचारू रखने के लिए फूलबाग में 111 करोड़ की लागत से 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसी तरह विधानसभा के अनेकों क्षेत्रों में 33x11 के वी का सब स्टेशन बनाया गया है, जिससे आज लोगों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती है। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। विजय भव ग्वालियर 15 विधानसभा में 333 करोड़ की धन राशि खर्च कर जनता को उपलब्ध कराई गई शुद्ध पेय जल की अनेक सुविधाएं। ग्वालियर में विकास की गंगा बहाने वाले जन जन के सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर आज एक ऐसा नाम बन चुका है, जिसका नाम लेते ही यहाँ की जनता के मन में सबसे पहले उनके विकास कार्यों पर ध्यान जाता है। आज इस कर्मयोगी सेवक ने अपने विधानसभा के जलालपुर में 160 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराकर इस बात को चरितार्थ किया है और सरकार की योजना हर घर जल के अभियान को साकार कर दिखाया है। इसके अलावा लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा के कई इलाकों में अनेक पानी टंकी का निर्माण और शुद्ध पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। ग्वालियर की जनता की आवाज बन चुके ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर विकास कार्यों की एक ऐसी लहर बन चुके हैं, जिसे जितना गिनाया जाए उतना ही कम है। इस कर्मयोद्धा के प्रयास से जल्द ही करोड़ों रुपयों की लागत से ग्वालियर के सागर ताल और जनक ताल का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होगा। इससे यह तालाब एक पर्यटक स्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाएगा। तोमर जैसे लोक सेवक के अटल इरादे की वजह से ही आज विधानसभा स्थित अनेकों मुक्ति धाम का जीर्णोद्वार कराया गया है।
विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर ग्वालियर 15 विधानसभा में महिलाओं की आवाज बन चुके प्रद्युमन सिंह तोमर ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी एक अनूठी मिसाल पेश किया है। इनके प्रयास से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत आज विधानसभा के लगभग 54,000 लाडली बहनों को सम्मान निधि के रूप में 6.75 करोड़ की धनराशि प्रदान किया गया है, जिससे कि वह स्वाभिमान के साथ जी सके। कर्मयोद्धा प्रद्युमन सिंह तोमर की कड़ी मेहनत से ग्वालियर 15 बना खेल केंद्रों का मुख्य केंद्र अपनी सहजता और विनम्रता से लोगों के दिलों में बस चुके कर्मवीर प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए तत्पर रहे हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपने विधानसभा में 137 करोड़ की धनराशि खर्च कर अनेकों खेल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। जेसी मिल के पीछे लगभग 4 करोड़ की लागत से एक भव्य और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह प्रद्युमन सिंह के प्रयास से खेल गांव में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। लगभग 102 करोड़ की लागत से दिव्यांग स्टेडियम के निर्माण का सपना साकार किया गया है, जिससे कि ग्वालियर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। ग्वालियर 15 विधानसभा में शिक्षा जगत में आई नई क्रांति। ग्वालियर की जनता के दिलों की धड़कन बन चुके झंझन के लाडले सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर 15 विधानसभा में शिक्षा जगत में एक क्रांति लाई है और 114 करोड़ की धन राशि खर्च कर और 2 स्कूलों को सनराइज स्कूल का दर्जा दिलाकर इसका कायाकल्प कर दिया है। आज यहां पर पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं को स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने की सुविधा मिलती है, जहां इन्हें सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास की शिक्षा दी जाती है, जिसकी आधुनिकता किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। जो होना है हो जावे, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। ग्वालियर 15 विधानसभा में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पुल पुलिया का बिछाया जाल, 743 करोड़ की लागत से शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू। ग्वालियर की जनता की सांसों में बस चुके सरल, सहज और मधुर स्वभाव के जनसेवक प्रद्युम्न सिंह का ग्वालियर को मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का सपना था। आज लगभग 743 करोड़ की लागत से स्वर्ण रेखा नदी पर 7.43 किलोमीटर तक 4-लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू कराकर यह दिखाया है कि शहर में अब इस रोड के बन जाने से कभी लोगों को ट्रैफिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह के प्रयास से अनेकों ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसमें चमड़ा मिल स्थित रेलवे ओवरब्रिज है, जिसकी खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। इसी तरह यादव धर्मकांटा का रेलवे ओवरब्रिज भी प्रद्युम्न सिंह जैसे कर्मयोगी की मेहनत से आज हकीकत रूप लिया है। मलगरहा का रेलवे ओवरब्रिज भी आज इस कर्मयोद्धा की दिन रात की मेहनत से ही बनकर तैयार हुआ है। आज शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुल पुलिया का जाल बिछाकर श्री तोमर ने यह साबित किया है कि वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जन सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयास से ग्वालियर में हुआ 2,496 आवासों का निर्माण।
श्री तोमर की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत आईएएस बेटी हजीरा बस स्टैंड का हुआ कायाकल्प, दलितों और गरीबों की आवाज बन चुके ग्वालियर के जन जन के हितैषी सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर की आत्मा गरीबों के दिलों में बसती है। इसीलिए इन्होंने अपने ग्वालियर विधानसभा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 217 करोड़ की लागत से 2496 आवासों का निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित इन आलीशान आवासों में गरीबों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्वालियर विधानसभा में विकास की एक नई गाथा लिख चुके प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 64.24 करोड़ की लागत से हजीरा स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया है। इस आलीशान बस स्टैंड के बन जाने से यात्रियों को ग्वालियर से प्रदेश के अन्य शहरों और क्षेत्रों में आवागमन करने में आसानी हो जाएगी।